फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्या डॉल्स वर्ल्ड। और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बड़ी बहन वर्सेस छोटी बहन पार्ट टू। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हाँ, अगर आपने अभी तक बड़ी बहन वर्सेस छोटी बहन पार्ट वन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाके देख लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं टीवी देखते देखते तो थक गई हूँ, चलो मुझे भूख लगी है, किचन में जाके देखती हूँ कुक क्या रखा है। फ्रिज में जरूर कुछ होगा, देखती हूँ क्या है। अरे वाह, लड्डू, ये तो मेरे फेवरेट हैं। पर इनमें से कुछ तो किसी ने खाए हुए हैं, लगता है मम्मा ने खाए होंगे। कोई बात नहीं, मैं इतने ही खा लेती हूँ। मेरा पेट तो बहुत भर गया है, चलो जाके टीवी देखते हैं। वाह, इतने मेरे फेवरेट लड्डू थे और बहुत अच्छा लग रहा है खाके। अरे हाँ, मुझे याद आया, अश्मिता आना, मैंने आपके लिए लड्डू बनाए हैं, आप जाके खा लीजिए, किचन में रखे हैं। अरे वाह, मम्मा ने तो लड्डू बनाए हैं, ये तो मुझे बहुत पसंद है, अभी जाके देखती हूँ। ये अश्मिता इतनी शांत क्यों बैठी है, इसको भी तो लड्डू बहुत पसंद है, ये तो गजब हो गया। लगता है जिसका मन नहीं है, कोई बात नहीं, मैं ही खा लेती हूँ। क्या यहाँ पे तो लड्डू ही नहीं है, लड्डू की प्लेट तो खाली है, ये क्या हुआ, मम्मा से पूछती हूँ। मम्मा, किचन में लड्डू नहीं है, मैंने देखा और लड्डू वाली प्लेट तो खाली रखी है। ये तुम क्या कह रही हो, मैंने तो लड्डू बनाए थे और वहीं रखे हैं, तुम ध्यान से देख कर आओ। पर मम्मा, मैंने अच्छे से देख लिया, वहाँ पे लड्डू नहीं है। अच्छा रुको, अश्मिता। जी मम्मा, आपने मुझे बुलाया। हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया। अश्मिता बेटा, क्या आपने लड्डू खाए हैं? क्या मम्मा आपने लड्डू बनाए थे? हाँ, मैंने आवाज़ तो दी थी। ओ मम्मा, मैंने सुनी नहीं होगी। तो मम्मा क्या हो गया? बेटा वो लड्डू किसी ने खा लिए, क्या आपने खाए हैं? नहीं मम्मा, मैंने नहीं खाया, मैं तो कार्टून देख रही हूँ ना अपनी देर से, और अगर आपने आवाज़ दी थी, मैंने सुना होता तो मैं खुद ही जाती। बेटा तुम सच बोल रही हो ना? हाँ मम्मा, मैं एकदम सच बोल रही हूँ, सच में मैंने नहीं खाए, शायद दीदी ने खाए होंगे। आना, क्या तुमने लड्डू खाए हैं? नहीं मम्मा, मैंने नहीं खाए, अगर मैंने खाए होते तो मैं आपके पास क्यों आती। तो अगर अश्मिता ने नहीं खाए, मैंने भी नहीं खाए, मैंने थोड़े खाए थे, और पूरी प्लेट कैसे साफ हो गई? इसका मतलब तो तुम ही ने खाए हैं ना, और कौन है इस घर में? मम्मा, मैंने सच्ची नहीं खाए। मम्मा, दीदी झूठ बोल रही है। हाँ बेटा अना, आप इतनी बड़ी हो और झूठ बोलते हो, आप अपने अगर खाए हैं तो आप सच भी तो बोल सकते हो, पर आपने झूठ क्यों बोला, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। पर मम्मा, बस अब और झूठ नहीं, जाओ यहाँ से। कोई बात नहीं बेटा, मैं आपके लिए और बना दूंगी, इस बार अगर दीदी ने खा लिए तो क्या हो गया। हाँ मम्मा ठीक है, मैंने तो लड्डू खाए तक नहीं, मुझे पक्का यकीन है कि ये इस अश्मिता की बच्ची ने खाए, और मैं इसका पता लगा कर ही रहूंगी। अभी देखती हूँ, मुझे इसका बैग चेक करना होगा। ये क्या, ये तो मम्मा का खोया हुआ नेकलेस है, जो कि मम्मा बहुत दिनों से ढूंढ रही थी। अभी बुलाती हूँ इस लड़की को। अश्मिता जरा यहाँ आना। मम्मा मैं अभी, दीदी मुझे बुला रही, मैं अभी आती हूँ। ठीक है बेटा। अश्मिता, ये मम्मा का नेकलेस तुम्हारे बैग में कैसे आया? दीदी आप मेरा बैग चेक कर रही थी? वो सब छोड़ो, तुम पहले मेरे सवाल का जवाब दो। वो दीदी बस ऐसे ही, सच सच बताओ। दीदी मुझे मम्मा का नेकलेस बहुत पसंद था इसलिए। अब क्या मैं ये मम्मा से बता दूँ जाके? नहीं 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 दीदी, आप जो बोलोगे मैं करूँगी, बस मम्मा से मत बताना। अच्छा ठीक है, सच सच बताओ कि लड्डू किसने खाए। सच सच बताओ। दीदी मैंने खाए हैं। तो तुमने मम्मा से झूठ क्यों बोला? अगर तुम मम्मा को ये बता देती हो कि लड्डू तुमने खाए हैं, तो मैं मम्मा को ये बात नहीं बताऊंगी कि ये नेकलेस तुमने लिया था। पर दीदी, क्या मैं बता दूं कि ये नेकलेस तुम्हारे पास था? नहीं 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 दीदी, मैं अभी मम्मा को सब जाके बता देती हूँ। हाँ यही सही रहेगा।
मम्मा मुझे माफ कर दीजिए, मैंने दीदी पर झूठा इंजाम लगाया जबकि लड्डू मैंने खाए थे। क्या क्या तुम सच कह रही हो? हाँ मम्मा, लड्डू मैंने खाए थे। मैं तुम्हें छोटी समझ के तुम समझती हो कि तुमने कोई गलत काम नहीं किया, और तुम्हारी बड़ी बहन को डांट देती हूँ तबकि तुमने ये गलत काम किया था। मुझे यकीन नहीं होता। मम्मा मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, तुमने मुझसे झूठ बोला है और अपनी बड़ी दीदी को डांट खिलवाई है। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, समझ में आया? और आइंदा से ऐसी गलती हुई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ ठीक है मम्मा। सॉरी बेटा, मैं तुम्हें बड़ा समझ के हर बार डांट देती हूँ, मुझे माफ कर देना। अरे मम्मा कोई बात नहीं, ये आप तो मेरी मम्मा है, आप तो मुझे डांट भी सकती हैं। पर बेटा, गलत काम के लिए आपने किया ही नहीं तो मैं आपको क्यों डांटूं? आपको मैं बड़ा समझ के बहुत डांटती हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। कोई बात नहीं मम्मा। दीदी को तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये बताना है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारी यूट्यूब पे कमेंट्स तो ऑफ है। तो लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। और हाँ, आपको अगर इस वीडियो का लास्ट पार्ट चाहिए यानी कि थर्ड पार्ट, तो आपको इस वीडियो पे लाने होंगे 30 लाइक्स, तब मैं लाऊंगी पार्ट 3 यानी कि लास्ट पार्ट। और अगर आपको पार्ट 3 चाहिए तो आपको ये भी जानना है ना कि अश्मिता ऐसा क्या करती है अपनी दीदी से बदला लेने के लिए, और उसके साथ आखिर बदले अगर लेती है तो उसके साथ उल्टा होता है कि क्या होता है। इसको देखने के लिए पार्ट 3 के लिए लाइक तो करिएगा ही। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।